बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो सेला चावल ले लिए थे और इनको मैंने 3 घंटे पहले से भिगो दिया था। आप चाहे तो बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे जर्दा और गुड़ वाले चावल इन चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। इनका अब हम पानी निकाल देंगे और यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। अब हम चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इनको मिक्स कर देंगे। बॉयल में से सारे चावल हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद हल्का सा इनको हम मिक्स कर देंगे और इनको हम कंप्लीट बॉयल होने तक कुक कर लेंगे। जब तक चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो गुड़। इसका हमने शीरा तैयार करना है, तो इस गुड़ को हम एक पॉट के अंदर डाल देंगे। इस पॉट के अंदर हम इस गुड़ को ऐड कर देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तकरीबन 1 कप के जितना हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और इसका एक अच्छा सा शीरा तैयार ना हो जाए। तो ये देखें, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे कर दिया और इसको हम कवर कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे चावल हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ये सेला चावल है इसलिए मैंने इनको कंप्लीट कुक किया है। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करते हैं तो उनमें आप 1-2 कनी रख सकते हैं, मगर मैंने इनको अच्छी तरह से पूरा बॉयल किया है। तो अब हम इनका पानी निकाल देंगे। दूसरी तरफ हमने जो गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से ये देखें मेल्ट हो चुका है गुड़, और बहुत ही अच्छा सा इसका शीरा जो है वो बन चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पॉट को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब हम सेम पॉट के अंदर जिसके अंदर हमने चावल बॉईल किए थे 1/2 कप के जितना देसी घी या फिर ऑयल ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बादियान का फूल और ये 4 से 5 लौंग इसके अंदर डाल देंगे। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून सौंफ और 4 से 5 साबुत इलायचियाँ भी हम इसके अंदर डाल देंगे। सौंफ आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर सौंफ का जो फ्लेवर होता है ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ नारियल और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे किशमिश मेवे, ये मैंने भिगो के रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शीरा, जो कि हमने गुड़ का शीरा तैयार करके रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, शीरा डालते ही इसके अंदर जो हमने किशमिश डाले थे वो कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। बस थोड़ा सा इसको हमने कुक करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं चावल जो कि हमने बॉईल करके रखे थे। चावल इसमें डालने के बाद इनको हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल जो है वो टूटे ना। तो बस हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है ताकि शीरा जो है वो सारे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे, या अगर आप चाहें तो इसके नीचे कोई तवा वगैरह भी रख सकते हैं। चावलों को हम कवर कर देंगे और इनको हम 20 से 25 मिनट के लिए दम लगा देंगे। यहाँ पे चावलों को दम पे लगाए हुए 25 मिनट कंप्लीट हो चुके थे, तो अब दम मैंने खोल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले चावल जो हैं अब वो तैयार हो चुके हैं। कलर चेक करिए आप, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर जो है वो आया है इनका। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।